मैं घर आ गया। सुनो नोबिता। क्या बात है मॉम? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटा, तुरंत नीचे आओ। तुम्हारा स्वागत है। आखिर मेरी मॉम चाहती क्या है? मैं मॉम का ये बर्ताव देखकर बहुत परेशान हो गया हूँ। हो सकता है कि वो मुस्कुराने का नाटक कर रही हो। और उसके बाद तुम्हें आज फिर से होमवर्क न करने की सजा मिली है। इस वक्त तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, समझे? मुझे डांटने के लिए उन्हें किसी बहाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आज उनका मूड सचमुच बहुत अच्छा हो। तुम तो एक बहुत ही प्यारे बच्चे हो नोबिता, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो केक, तुम नाम डोरेमोन को मत बताना, ठीक है? चलो मान लेते हैं कि उनका मूड अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उनका मूड अच्छा है या खराब है इसका पता कैसे चलेगा? अब मैं क्या करूं, इस बात का पता कैसे लगाऊं? मैं केक तो जरूर खाना चाहता हूं, पर मॉम की डांट नहीं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? ये कॉमिक बहुत मजेदार है। क्या सचमुच? और वो वाला पार्ट तो बहुत अच्छा है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कॉमिक अच्छी है या नहीं। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मॉम के गुस्से का क्या करूँ। अच्छा, तो अब समझा, तुम ये जानना चाहते हो कि मॉम तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, है ना? एंटिसिपेशन ग्लासेस, इससे तुम्हें मॉम का सोचना पता चल जाएगा। ओके। पर इसे वापस जरूर कर देना, ठीक है? अरे नोबिता, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? चलो यहाँ आके मेरे सामने बैठ जाओ। क्यों नोबिता, कल तुमने स्कूल में क्या किया था, बताओ मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। नोबिता, यहाँ वापस आओ, भागो। अजीब बात है, उस लड़के को कैसे पता चला कि मैं उसे डांटने वाली हूँ? चलो शुक्र है, अगर ये एंटीसिपेशन ग्लासेस नहीं होते तो आज मुझे मॉम से खूब डांट पड़ती। हे नोबिता, कैसे हो मेरे दोस्त? ओ जियान, हाय। इसकी खुशी में कुछ गड़बड़ है। भागो! अरे ये क्या, उसे ये कैसे पता चल गया कि मैं उसे मारने वाला था? बार बार बच्चे, इस एंटीसिपेशन ग्लास ने मचा लिया, ये तो बढ़िया है। शिजुका आ रही है। वो टेनिस खेल कर लौटी है, देखता हूँ अब वो क्या करेगी। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं देखना चाहिए, ये गलत है। क्या बात है नोबिता, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? अच्छा बाय। मुझे तो शिजुका को इस तरह देखकर बहुत शर्म आ रही थी सचमुच। अब देखता हूँ कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहा है? ये तो कोई चोर है। डोरेमोन! डोरेमोन! अरे नोबिता, तुम इस तरह दौड़ते हुए क्यों आए हो? नहीं मॉम, अभी इसके लिए वक्त नहीं है, कुछ गलत होने वाला है, मुझे उसे रोकना होगा। क्या, एक चोर है? हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जरा जल्दी करो। अच्छा चलो, सब पता करते हैं। वो रहा वो चोर, चलो जल्दी करो, पुलिस को बताते हैं, चलो। पर अब तक उसने कुछ नहीं चुराया है नोबिता। हाँ तुमने सही कहा। लेकिन तुम इस तरह चुप कैसे रह सकते हो जबकि तुम जानते हो कि वो चोरी करने वाला है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते डोरेमोन? कुछ करो ना डोरेमोन। एक आइडिया मिल गया, डिलीवरी कैब। ये डिलीवरी कैब क्या है? ये तो बिल्ली के कान जैसा लगता है। एक बार वो चोर इसे पहन ले, फिर देखो इसका कमाल नोबिता। गो। अरे ये क्या चीज है? कितनी बेकार कैप है, बेतुकी है। भला मुफ्त का माल लेने में मेरा क्या जाता है?
अब देखना नोबिता, वो चोर अब हमारा डिलीवरी मैन बनेगा। पर वो क्या डिलीवर करेगा? उसकी चुराई हुई हर चीज डिलीवर करेगा। तुम कुछ डिलीवर करोगे? हाँ, जो चाहेंगी वो कर दूंगा। पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है नोबिता। मैं जानता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, इसलिए तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद करोगे? मुझे याद आ गया, ये छाता ले लो और इस छाते को सुनियो की मॉम को वापस कर देना, ठीक है? ओके। नोबिता इस तरफ। ये तुम कहाँ जा रहे हो? डोरेमोन, तुम इस छाते को यहाँ पर क्यों रख रहे हो? अब यहाँ छिपकर इंतजार करो। हाँ? अगर तुम्हें कुछ डिलीवर करना है तो उसके लिए हमारा डिलीवरी मैन आ जाएगा। वो आ गया। ये तो बहुत बढ़िया छाता है, सही मौका है, मैं इसे ले जाऊंगा। अब हम क्या करें? ये छाता तो ये चोर लेकर चला गया। सब कुछ ठीक होगा, तुम चिंता मत करो, चलो उसका पीछा करते हैं। डोरेमोन देखो, वो सुनियो के घर के पास नहीं जा रहा। बस देखते जाओ। डॉगी से मुझे बहुत डर लगता है। तुमने देखा नोबिता? अरे रास्ते की मरम्मत हो रही है, दूसरे रास्ते से जाना होगा। अरे मैं क्या करूं, मैं खो गया हूँ। अब वो सुनियो के घर के पास जा रहा है। अब मैं घर जाने का रास्ता कैसे ढूंढूं? हाँ? अब मैं क्या करूं? चलो बच गया। ला 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 ला। सुनिए अंकल, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। अरे आइडिया, सुनो सुनो। हाँ? देखो मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, स्टेशन का रास्ता बता दो, प्लीज बता दो। आप स्टेशन जाना चाहते हैं? तो छतरी मुझे दीजिए। ये सुनियो भी कुछ कम नहीं है। ये लो, ये छाता तुम रख लो। अब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, स्टेशन का रास्ता उस तरफ है। शुक्रिया बच्चे, एक खूबसूरत छाता हाथ से चला गया। उसने छाता डिलीवर कर दिया। हाँ कर दिया। मुझे इस छाते की जरूरत नहीं, मॉम को दे देता हूँ। मॉम! अरे ये क्या है प्यारे सुनियो? देखिए मॉम, ये छाता कितना सुंदर है ना, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। ओह मेरे लिए? सुनियो बेटा थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। कितना चमकीला छाता है, शायद ये छाता मैंने पहले कहीं देख रखा है। कुछ करना पड़ेगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये उसे दे पाऊँ, कितना बेकार का आदमी हूँ मैं। अब क्या करूँ, मैं कहाँ से हिम्मत जुटाऊँ? मेरा क्या होगा? मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, घर जाकर मैं इस बॉक्स को खोलकर देखूंगा कि इसमें क्या है। अरे यहाँ तो एक खिड़की खुली है। अब तुम अरे
मैं इसकी डिलीवरी करने आया था। ओ तो तुम क्या एक डिलीवरी मैन हो? अच्छा तुम्हारा शुक्रिया। कौन भेज सकता है ये? आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। ये उसने भेजा है? मैं बहुत खुश हूँ, उसे मेरा जन्मदिन याद रहा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो आदमी चोरी करना भूल जाए। नोबिता वो लोगों की मदद सिर्फ तब तक करेगा जब तक उसने वो डिलीवरी कैप पहनी हुई है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे कोई छोटी मोटी चीज नहीं, महंगी चीजें चुरानी चाहिए। वो अभी चोरी करना चाहता है। हाँ, एक कलर टीवी, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। सुनो, वो बाहर रखी हुई टीवी मिस्टर यामाडा के घर पहुंचा दो। जी सर। ये आज मैंने लंबा हाथ मार दिया, मुझे टीवी मिल गया। अरे टीवी आ गया पापा, टीवी आ गया। ये मिस्टर यामाडा के घर पहुंच गया। ये हमारा नया टीवी। आखिर टीवी आ ही गया, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। पापा जल्दी से इस टीवी को खोल दे। हाँ बिल्कुल बेटा। मैडम, आपके बैग से मूली गिर गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। गुड बाय। अब मुझे क्या करना चाहिए? इन हाथों से हमेशा मैंने सिर्फ चोरी की है। शायद मुझे अब चोरी का काम छोड़ देना चाहिए। अब मैंने पक्का फैसला कर लिया है। अब मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। है ना ये कमाल? हाँ, ठीक कहा, डिलीवरी कैप का शुक्रिया। आज से मैं एक नए किसान बन गया हूँ।